पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने बाबर आजम को घरेलू क्रिकेट में वापसी और फिटनेस पर ध्यान देने की सलाह दी है। न्यूजीलैंड ने 32 रन से साउथ अफ्रीका को हराकर महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता। अमेलिया केर ने शानदार प्रदर्शन किया जिसमें 15 विकेट और 43 रन शामिल हैं। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल दुबई में खेला गया जहां न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 32 रन से हराया। यह न्यूजीलैंड की पहली विजेता ट्रॉफी है। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 32 रन से हराया। यह न्यूजीलैंड का पहला विश्व कप खिताब है। तीसरे दिन महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 145 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा 75 रन बनाकर नाबाद है। त्रिपुरा ने 377 से 8 पर पारी घोषित की। बेंगलुरु में खेले गए पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका है। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में सूजी बेट्स ने मिताली राज को पीछे छोड़ते हुए 334वें इंटरनेशनल मैच में इतिहास रच दिया। भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद मोहम्मद शमी नेट में गेंदबाजी करते नजर आए। उनकी फिटनेस से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। भारतीय टीम को पहले टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा। दूसरे टेस्ट से पहले वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया है। बेंगलुरु में पहले टेस्ट में भारत ने 46 रन पर सिमटकर न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। कप्तान रोहित शर्मा ने सकारात्मकता और सुधार पर जोर दिया।